आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, किसी भी बैटरी का बैकअप टाइम चेक करना हो तो कैसे कर सकते हो आप, इसी के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। और अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है, जिस टाइम भी आप बैटरी का आपको बैकअप टाइम नहीं मिलता, आप जाते हो दुकानदार के पास और उसको बोलते हो कि बैटरी का बैकअप टाइम हमारे को नहीं मिल रहा। वो क्या कहते हैं, उसको लेके आएंगे, चार्ज करेंगे, चार्ज करके वापसी लगा देंगे और फिर भी आपको बैकअप टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको बैकअप टाइम सिंपल तरीके से बताऊंगा कैसे चेक करना, और आप खुद भी चेक कर सकते हो। आपके सबसे पहले इन्वर्टर बैटरी आपके पास है, उसके पीछे से आप सिंगल वायर हटा दीजिए और जो उसका मेन का प्लग लगा हुआ है उसको, मेन को बंद कर दीजिए। आपको लेने हैं दो होल्डर लेने हैं, उसमें वायर लगा लेनी है और साथ में ले ले लेने हैं आपको 200 200 वाट के दो बल्ब, और वो लगा देने हैं इन्वर्टर की बैक साइड में उसकी वायर। और उसकी वायर लगाने के बाद उसको आपको ऑन कर देना है और टाइम आपको नोट कर लेना किस टाइम पे हमने ये चलाया है। और 400 वाट का लोड वो हो जाता है, और 400 वाट का लोड कम से कम अगर 2 घंटे से प्लस चलता है, 150 एम्पेयर की अगर बैटरी है आपकी और 2 घंटे से प्लस चलता है तो बैटरी आपकी बिल्कुल ओके है। और है 180 एम्पेयर की बैटरी आपकी, और उसको अगर आप बैकअप टाइम चेक करोगे तो उसका बैकअप टाइम आना चाहिए 2.5 से 3 घंटे के बीच में। अगर इतना टाइम आता है तो आपकी बैटरी बिल्कुल ओके है, फिर कोई और फॉल्ट है। और बैकअप टाइम आपको कब लेना है, जब बैटरी आपकी फुल चार्ज हो, 1250 ग्रेविटी होनी चाहिए, और इन्वर्टर भी आपको बता देता है कि इस टाइम बैटरी फुल चार्ज है, उस टाइम आपको बैकअप टाइम लेना है। बस कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी की बैटरी हो, बैकअप टाइम ऐसे ही चेक होता है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।